किया था और इसको मैं भी मॉनिटर पर्सनली कर रहा था और अल्टीमेटली उसको आज अरेस्ट कर लिया है और उसके खिलाफ़ जो भी लीगल कार्रवाई बनती है वो बनेगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अपराध अगर करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और जो कानून में जो कार्रवाई वो की जाएगी। सर, ये कौन सा केस में इन्वॉल्व था और उसका बैकग्राउंड कैसे है? नहीं, बैकग्राउंड अगर देखें तो उसमें कई केसेस में पहले से इन्वॉल्व है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट केस था जो ओल्ड गोवा में हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर केस। उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो उसके डिटेल्स में मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये है कि जो भी इसका इन्वॉल्वमेंट होगा और लीगल कार्रवाई होगी, लीगल कार्रवाई के हिसाब से कार्रवाई। तो ये सरेंडर हुआ था कि गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया? गोवा पुलिस का प्रेशर है, अब ये डिटेल्स हम बाद में रिवील करेंगे, लेकिन यह है कि गोवा पुलिस ने काफ़ी एफर्ट्स किया था और इसको मैं भी पर्सनली, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था तो सबने मेरे से इस केस के बारे में पूछा था, तो मैं भी इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा था कि इस केस में जो भी भागे हुए लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए। तो आज अल्टीमेटली वो अरेस्ट हो गया है, पुलिस को बड़ी कामयाबी है और उसके बाद कार्रवाई, लीगल कार्रवाई चल। सर, अभी देखा था सर, गोवा पुलिस अभी गोवा में कोविड का सिचुएशन में क्राइम का क्या सिचुएशन क्या है सर? नहीं, कोविड के सिचुएशन में क्योंकि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, प्लस आइसोलेशन में है, प्लस रेस्ट्रिक्शंस हैं लोगों पे, और लोग घरों पे ज़्यादा रहते हैं या अपनी जगह पे रहते हैं, इसलिए क्राइम थोड़ा कम हुआ है पहले से, लेकिन ये है कि हमारी पूरी पेट्रोलिंग जारी है। कोविड के उसमें जो ड्यूटीज़ हैं पुलिस की, कंटेनमेंट जोन में हो या कहीं जैसे नाइट कर्फ्यू कई बार गवर्नमेंट अनाउंस करती है या जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, बॉर्डर्स पे चेकिंग है, पुलिस अच्छी तरह उनको चेकिंग कर रही है और पेट्रोलिंग कर रही है, और पुलिस जो जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आ रही है उन डायरेक्शंस के हिसाब से काम कर रही है। सर, है ये इवेंट और नाइट पार्टी अरेंज कर रहा है सर, उसके लिए गोवा पुलिस कैसे देख रहे हैं? इसमें जो अभी कोविड के काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कुछ लोगों की जैसे कि आदत होती है कि लॉ को वायलेट करते हैं, जो जो इस तरह की जो पार्टीज में पार्टिसिपेट करेंगे या पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे या जो भी रूल्स रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे इंसिडेंट पुलिस के सामने भी आए हैं और मुकदमा ही उनके खिलाफ दर्ज किया और लीगल कार्रवाई की जा रही है। गोवा में गोवा पुलिस लोगों को भी एक पॉजिटिव बहुत केस मिल रहा है ऐसा बोलता है, पर सुरक्षा के लिए क्या गोवा पुलिस ने तैयारी कर रहा है? गोवा क्योंकि कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे हैं, पब्लिकली डायरेक्टली काम कर रहे हैं, उसमें कोरोना पॉजिटिव कई लोग हैं, तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही अगर किसी कांटेक्ट में आया तो उसके बाद ये भी इन्फेक्ट हो जाता है, साथ साथ ड्यूटी कर रहे हैं उसमें इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने काफ़ी एनालाइज किया था कि कई लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते थे, जैसे पुलिस हेडक्वार्टर में आते थे और भी ऑफिसेज में आते थे, उनके लिए हमने पुलिस की व्हीकल्स अरेंज किए हैं कि गाड़ी जाएगी उनको अपने डेस्टिनेशन से लेके आएगी फिर छोड़ेगी। अब बार बार उनको ये हिदायत दे रहे हैं कि अपनी ड्यूटी करके केवल घर पे रहें, अपने आप को आइसोलेट करके रहें, लेकिन क्योंकि ड्यूटी देखो बॉर्डर्स में भी कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में भी कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर भी कर रहे हैं, क्राउडेड प्लेस में भी कर रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं, तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए ड्यूटी तो ये कर रहे हैं, लेकिन उस ड्यूटी के दौरान कुछ पुलिस मैन है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनको बार बार हिदायत दी जाती है कि सेल्फ आइसोलेट रहें, फिर भी कुछ न कुछ कोई ना कोई डेली कोई ना कोई एक दो केस आ जाता है, और लेकिन जो भी हमारे इसमें केस आता है उसका वेलफेयर पूरा देखा जा रहा है, गवर्नमेंट भी काफ़ी उनको सुविधा दे रही है, और प्लस हम पुलिस की तरफ से डेली सवेरे शाम उनसे बात की जाती है, अगर उनकी कोई भी समस्या आती है तो उसको डील करते हैं। सर, अभी 2 दिन बाद में 15 अगस्त आ रहा है, जब उसके लिए गोवा पुलिस ने कोस्टल बेल्ट और सिटी में कैसे कंट्रोल कर सुरक्षा? 15 अगस्त होता है सुरक्षा के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव होता है, और इसमें पुलिस को बोला है कि अलर्ट रहें, पेट्रोलिंग करते रहें, कोस्टल बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट पे वाच ज़्यादा रखें, क्योंकि तो एक नेशनल फंक्शन है और इस फंक्शन पे हमेशा पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए, और उसी हिसाब से गोवा पुलिस भी अलर्ट रहेगी अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक 15 अगस्त है तब तक और ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई जाएगी, कोस्टल एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी।